मुंबई उपनगर के अंधेरी में स्थित रहेजा क्लासिक क्लब में हिंदी फिल्म भगवा का मूर्त किया गया। इस मौके पर फिल्म जगत व राजनीति जगत से जुड़े कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। फिल्म से जुड़े लोगों ने बताया कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और भारत देश के सभी जाति व धर्म के लोगों को एक साथ एक मंच पर जोड़ने का काम करेगी। था ये फिल्म भगवा जो माननीय केशव बलिराम हेगड़ेवार जी की लाइफ के ऊपर एक बायोपिक फिल्म है जिसका हमने लॉन्च किया है। जहाँ तक बात की जाए भगवा रंग एक जाति का हमारा समाज मानता है कि ये सिर्फ हिंदुत्व का रंग है और साथ ही आरएसएस का एक मुद्दा लेकर आप मूवी बना रहे हैं, आप क्या सोच थी इस मूवी बनाने के पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई आरएसएस का मुद्दा लेकर हम फिल्म नहीं बना रहे हैं। माननीय हेगड़ेवार जी ने राष्ट्र के लिए और राष्ट्र देश के लिए बहुत कुछ काम किया है, समग्र देश को एकत्र करने का काम किया उन्होंने और उससे युवा शक्ति और हमारे समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी कि हमको राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से जो हमारा युवा समाज भटक रहा है उसको किस तरह से समझने की आवश्यकता है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि मंच पे आपने आरएसएस की कई सारी बातों का विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया था, आप बताइए कि आरएसएस की विचारधारा क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों को ये गुजारिश करूँगा कि इसका प्रचार हम सिर्फ आरएसएस के हिसाब से ना करें। ये एक सोच हमारी, एक तरीका हमारा लोगों तक पहुंचने का कि भाई हम बात कर रहे हैं हमारे देश की, हिंदुस्तान की, इसको एक अलग नज़रिया ना दें अपन। इट्स नॉट अबाउट आरएसएस, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स नॉट अबाउट शिवसेना। भगवा एक रंग है, हमने उसमें एक ये एक इजहार किया है हमने कि भगवा में वो ताकत है जो जोड़ सकती है, देश को जोड़ सकती है, हमारे वतन को जोड़ सकती है। इट्स अ ग्लोबल मूवमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेट्स टॉक ऑन दोज लाइंस, थिंक ऑन दोज लाइंस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली आरएसएस और बीजेपी एट लार्ज। आज आप भगवा की बात करें, शिवसेना का कलर क्या है, वो भी भगवा ही है। हमने उसको इस तरीके से लिया है कि हिंदुस्तान को जोड़ना है, दैट्स द ओनली थॉट बिहाइंड इट। भगवा, माना कि भगवा के अंदर एक ताकत है जो अखंड भारत को जन्म दे सकती है। भगवा इस चित्रपट के द्वारा या इस मूवी के द्वारा आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाईचारा, अटूट भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये खाली हम सोचे नहीं, इसको अमल करें बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई कुछ भी प्रचार करता हो, मैं कहता हूँ हर धर्म में हम सब भाई हैं, इसको एक अलग नज़रिया ना दें। कोशिश करें हम कि इसको एक इस तरीके से लें, इस मुहिम को उठाएं कि यस हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और किसी और की नहीं। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ, मैं सर की बात को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे सवाल किया कि युवा पीढ़ी अलग राह में जा रहा है, भगवा में वो शक्ति है, भगवा अंत है, निराकार है, भगवा एक सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। भगवा को आप किसी धर्म या जाति से न जोड़ के देखें और ये जो एक हमारा प्रयास है, एक पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हमारा प्रयास है कि विश्व में शांति कायम हो और सब पे भाईचारा और एकता बनी रहे। संजय जी, भगवा की बात करते हैं तो स्टार कास्ट कौन कौन रहेगा और कब तक शूट चालू होने वाला है जी, कहाँ लोकेशन होने वाला है? जी, जैसा आपने स्टार का और शूटिंग की बात की है, आज हमने फिल्म को लॉन्च किया है। हमारा 6 मंथ हमारा प्री प्रोडक्शन वर्क चलेगा। इस प्री प्रोडक्शन वर्क में हमारा होमवर्क भी होगा पूरा, हमारी स्क्रिप्टिंग होगी, हमारा लोकेशन हंटिंग होगा, हम अपने स्टार कास्ट को फाइनल करेंगे, देन जनवरी 1st वीक में हम प्री फिल्म की शूट करेंगे। 3 से 4 शेड्यूल में प्री पिक्चर को हम शूट करेंगे। कोई माइंड में है क्या? इट्स टू प्रीमैच्योर बट या कोई ना कोई बड़े किरदार ज़रूर होंगे बॉलीवुड के, वो आपको एश्योरेंस देते हैं पक्का। फिल्म के अंदर क्या होगा? मैं चाहूँगा कि भगवा देखें और अति शीघ्र ये पर्दे पर रिलीज होगा जो एक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेगा।
कब रिलीज कर रहे हैं, कब तक सर? 2018-19 में रिलीज कर देंगे फिल्म को, क्योंकि 2018 में तो हम शूट स्टार्ट करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक में, देन सिक्स मंथ में हमारा प्रोडक्शन वर्क होगा, प्री प्रोडक्शन वर्क है, हम जल्दी 2019 के अंदर ही हम फिल्म को रिलीज कर देंगे।